गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है एक अनोखी डिश जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी ना खाई होगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया फ्रेंड्स, उसमें मैंने अजवाइन और मंगरेला डाल दिया है और इसमें मैं अब 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल डाल दिया है 4 चम्मच के करीब और मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। लाल 1 चम्मच मैं यहाँ पे डालूंगी लाल मिर्च पाउडर फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच नहीं फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ आटे को गूंथना शुरू किया है और आटे को गूंथना शुरू करके मैं इसे अच्छे तरीके से गूंथ लेती हूँ फ्रेंड्स। तो आप इसे डो को जो आटे का जो डो बनेगा फ्रेंड्स, उसे थोड़ा सा मुलायम ही रखिएगा, ज़्यादा कड़ा नहीं करना है। तो इसे मैं पानी से अच्छे तरीके से गूंथ लेती हूँ। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पैन गर्म कर लिया है, इसमें मैं मटर को गूंथूंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मटर, छोटे कटोरी से मैंने 1 कटोरी मटर ले लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं इसे पैन में भूज लेती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए फ्रेंड्स और मैं इसे मोमोज में अपने भर सकूँ। तो मैंने यहाँ पहले, मैं आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि मैदा से मोमोज बनते, पर मैं यहाँ आज आटे से बना के दिखाती हूँ आपको मटर के मोमोज। तो मैंने इसे थोड़ा सा तेल डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और लाल मिर्च डाली है फ्रेंड्स। और इसमें आप मसाले भी डाल सकते हैं, गरम मसाला और आमचूर पाउडर। तो देख सकते हैं, इस तरीके से मैं लोई बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने यहाँ छोटी छोटी लोइयाँ बेल रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं इसे बहुत पतला बेल के मैं इसे साइड में रख दूंगी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, ट्राई करें फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको ये बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो मैं इसे फ्राई भी करूंगी फ्रेंड्स। तो इसे इस तरीके से सभी को मैं, जितने भी लोई मैं बनाई हूँ उसको मैं बेल लूँगी। देख सकते हैं आप, गोल गोल आपको बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, पतला करके बेलना है। और देखिए, इस तरीके से मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी लोइयों को बेल लिया और यहाँ मेरे मटर मैंने निकाल लिए हैं पैन से और ये सॉफ्ट हो गए हैं फ्रेंड्स। ये सॉफ्ट होके बहुत मुलायम हो गए हैं क्योंकि मैंने इसे कवर करके ढक दिया था, जिससे ये स्टीम हो गए हैं। और इस तरीके से मैं सब में ये मटर को भर लेती हूँ। तो देखिए, ये देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो अब मैं इसे, देखिए, सारे मटर को भर के मैं इसे मोमोज के तरीके से ही ये मोड़ूंगी, सेव दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सभी मेरे आ चुके हैं, सभी में मैंने मटर को भर दिया है। और आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ये सॉफ्ट हो जाता है मटर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स खाने में। और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, ये बिल्कुल खाने में टेस्टी, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरीके से देखिए, मैं इसे मोमोज की तरह ही बनाऊंगी, बिल्कुल जैसे हम लोग मोमोज को भरते हैं उसी तरीके से मैं इसे यहाँ पे भर लूँगी। तो इसे जिस तरीके से मोमोज बनाते हैं हम लोग, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसे मोमोज की तरह ही बनाया है, जिस तरीके से आप 2-3 तरीके से इसे बना सकते हैं मोमोज की तरह। तो इस तरीके से मैं सारे पूड़ियों को जो मैंने बनाई है उसे मैं मोमोज की तरह जैसे करते हैं वैसे भर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा हो चुका है मोमोज, मैंने बन चुका है मटर का मोमोज। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तो इसे बहुत ही लो फ्लेम पे फ्रेंड्स रखेंगे और बहुत ही लो फ्लेम पे आप इसे, मैं इसे बहुत ही हल्के से हाथों से रखूँगी और इसे बहुत धीरे धीरे फ्राई करना है क्योंकि मैंने इसे स्टीम नहीं किया है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप, मैंने जितनी भी बनाई थी मैं उसमें रख रही हूँ। तो उसे मैं, हम लोग मैदे वाले को स्टीम करते हैं, लेकिन इसे हम एकदम लो आंच पे बनाएंगे जिससे हमारा अच्छे तरीके से ये हो जाए, सीज जाए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे पलट दिया है और पलटने के बाद एकदम धीमी आंच पे हम इसे सेकेंगे फ्रेंड्स। तो ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसे हम चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे पलट लिया और बहुत ही धीमी आंच पे इसे बनाना है, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और मैं इसे अब एक बार और उलटूंगी पलटूंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक बार मैंने और पलट दिया है यहाँ, तो ये काफ़ी अच्छा इसका देखने में लग रहा है, इसका कलर भी काफ़ी गोल्डन हो गया है। तो इसी तरीके से आपको भी बनाना है। इस तरीके से देखिए, मैं इसे बना ले रही हूँ और इसे करीब 5 से 10 मिनट हम सेक लेंगे, छान लेंगे
और धीमी आंच पे। और तब देखिए मैंने फ्रेंड्स इसे प्लेटिंग कर दी है, तो ये देखने में भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है फ्रेंड्स। तो एक बार आप इसे घर पर बना के ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसे आप चटनी के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे लगेगी फ्रेंड्स। तो एक बार मैं इसे चलिए तोड़ के दिखाती हूँ। ये काफ़ी सॉफ्ट है फ्रेंड्स और मुँह में घुल जाने वाला है, और खा के आपको इसे बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।